नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। आज बिहार में शराबबंदी की दूसरी वर्षगांठ है, जिसे जदयू मद्य निषेध दिवस की तरह मनाता है। हमारे साथ सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्या असर पड़ा है बिहार को शराबबंदी के बाद। जी, निश्चित रूप से इतनी सफलता हुई है, लेकिन ये सफलता उस दिन होगी जब हर व्यक्ति इस बात के लिए ठान ले कि हम मद्य निषेध करेंगे, मद्य निषेध न होने देंगे। और आज इसमें काफ़ी सफलता हुई है, लेकिन इसमें और ज़्यादा तेजी लाने की जरूरत है, हर व्यक्ति को संकल्प लेने की जरूरत है। और कुछ बीच में अफवाहें फैल रही थी कि बिहार में शराब दोबारा से चालू होने वाला है, इस पर सरकार की क्या राय है? जिन लोगों को हवा फैलाना है, जिन लोगों को माहौल खराब करना है, उन लोगों को ये मुबारक हो। लेकिन हमें ये सफलता है कि आज लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, आज सामाजिक समरसता बहुत अच्छा हुआ है, आज लोगों के कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, और ये सारे कुछ हुआ है मद्य निषेध से। धन्यवाद। तो ये थे श्याम रजक, जो बिहार में मद्य निषेध के तमाम फायदे बता रहे थे।